करनाल में लूट चोरी डकैती, एक वारदात सुलझती नहीं कि दूसरी पहले हो जाती है। अब जो वारदात को लुटेरों ने अंजाम दिया उसमें एक बैटरी कारोबारी को निशाना बनाया गया। दरअसल बैटरी कारोबारी किसी काम के सिलसिले में नीलगढ़ी से इंद्री गाड़ी में जा रहा था, तभी सीकरी के पास दो बाइक सवार नकाबपोश लड़कों ने गाली देकर गाड़ी को रुकवाया और कनपट्टी पर बंदूक रख दी। गाड़ी में रखा करीब 3,25,000 रुपए का कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। गाड़ी चालक का फोन लुटेरों ने फेंक दिया ताकि वो किसी को फोन न कर सके। थोड़ी देर बाद जब लुटेरे चले गए तब गाड़ी चालक लोगों से मदद मांगकर पुलिस को और अपने मालिक को लूट की वारदात फोन पर बताई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लगातार गाड़ी चालक और उसके मालिक से पूछताछ कर रही है। देखना होगा कि कब तक पुलिस बदमाश लुटेरों को पकड़ पाती है। मामले में हमें नहीं पता कौन है, क्योंकि सभी को पता है व्यापार करते हैं, हम पैसे लेके ही जाते हैं, हमारी गाड़ी जाएगी तो पैसे लेके ही जाएगी, सबको ये बात का पता है। तो यही काम हुआ है, रेकी की गई है इस मामले में। तो गाड़ी में ये था और साथ में जब जैसे ही वो आया उन्होंने चाबी निकाल के पहले चाबी फेंकी है, ये अकेला था, चाबी निकाल के चाबी फेंकी है, फिर इसको गन्ने के खेत में ले जाए। जल्द से जल्द कार्रवाई हो और मेरा पैसा रिकवर जल्दी से जल्दी करवाया जाए। मैं इधर जा रहा था इंद्री वाली साइड, तो सीकरी पार करा, पीछे से आवाज़ मार रहे थे, मैंने सोचा मैं कुछ गाड़ी वूड़ी लगी होगी, तो मैंने साइड दबा ली गाड़ी बिल्कुल, तो अपने आप ताकी खोल ली, उसने गन रख ली नीचे उतर, तो पैसे पूसे काट के ना कहते लग गन्ने के खेत में पड़ जाने, मार के गिर देंगे। ये 3,10,000 रुपये, हाँ जी बाइक पे, हाँ जी मैंने किसी पे, उसने गन्ने खेत में पड़ा दिया ना, मैं आधे किले गन्ने के अंदर ही बैठ गया, तो उसने फ़ोन फेंका ना, मैंने देख लिया फ़ोन फेंक दिया मुझे, तो मैं फ़ोन देख रहा कार भी लिकड़ गई, माफ मैंने कार वाले को हाथ दिया, कार भी नहीं रुकी, मोटरसाइकिल वाले का हाथ दिया, दोपहर का टाइम था कोई नहीं रुका, आप अच्छे ले रहे थे जी, ढके हुए थे, हाँ जी दो काले रंग की टी शर्ट पहन, कुछ ये इतना बड़ा था जी, मान देखा नहीं था, हाँ जी हम दिल्ली मतलब 2 साल हो गए काम करते हैं ना। 2 बजे सूचना मिल गई थी भाई ऐसे ऐसे वारदात हो गई है, मौका पर मैं खुद पहुँचा, SHO साहब और ASP मैडम भी पहुँच गई थी, CIA इंस्पेक्टर पहुँच गए थे, FIR दर्ज कर दी है और टावर लोकेशन और कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं। तो नोक पे बाइक दो लड़के थे, मुंह ढके हुए थे, मुंह ढके हुए थे, करीब 6 फुट के थे, तो करीब 3,10,000 रुपए छीन कर ले, तो मामला दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है। कल शाम के समय लगभग 4 बजे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इधर अपना सीकरी से और वो गांव पड़ता है उसमें एक बोलोरो पिकअप गाड़ी थी, उसमें ड्राइवर से 3 लाख रुपए छीन लिए हैं, तो उसमें हम तुरंत मौके पहुंचे थे, हमारी CIA टीम भी वहां मौके पर पहुंच गई थी और हमारे ASP मैडम इंद्री से वो भी मौके पर आई थी, FIR हमने दर्ज कर ली है और एक उसकी हम तलाश जारी है। आसपास के गांव में CCTV कैमरे में देखा जा रहा है कि उधर से कोई बाइक आई और गई हो, मामले की पूरी जो है ना लगन से इसकी छानबीन की जा रही है, उम्मीद है कि आरोपियों तक जल्दी, कारोबारी बैटरी पुरानी बैटरी खरीदते हैं उसी के लिए वो बता रहा है कि मैं उसकी रकम लेकर के बैटरी खरीदने का। तो बाइक पे थे लुटेरे थे? और लुटेरे बताते हैं 2 बाइक तो बंदूक से किया है उन्होंने, वेपन बताया उन्होंने, उनके पास कोई हथियार था पेमेंट है, ठीक है इस बारे में तो ये है कि लगता तो ये है कि उन्होंने पता था कि इसके पास पैसे, यही लग रही है अनुमान, हाँ जी मामला दर्ज कर दिया उसी तफ्तीश का।